नॉट टुडे वी विल डू द न्यू टॉपिक मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। क्या होती है मीन वैल्यू? आप इस तरह से ना इसको लर्न कर सकते हो। सी, आपके पास कोई सर्किट है, एसी सर्किट है। एक एसी सर्किट में से आप करंट पास कर रहे हो, एसी करंट पास कर रहे हो कितने टाइम के लिए? टी बाय टू टाइम के लिए। याद रखना एसी की जो एवरेज वैल्यू निकालनी है ना वो हाफ टाइम पर निकालनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम एसी के एसी साइकिल ऐसी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पूरे टाइम पे निकालूंगी, मतलब पूरे टी टाइम पे निकालूंगी तो ये तो ज़ीरो हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो जाएगी। तो एवरेज वैल्यू हमेशा किस पे निकालनी है? टी बाय टू टाइम पे। किसी सर्किट में से आप एसी करंट पास कर रहे हो कितने टाइम के लिए? टी बाय टू टाइम के लिए। और कितना चार्ज आ रहा है? क्यू चार्ज आ रहा है। उसी सर्किट में से कितना करंट पास करें सेम टाइम के लिए, सेम चार्ज आए, दैट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट करंट और स्टेडी करंट। स्टेडी होता है कॉन्स्टेंट, एक जैसा करंट। एसी होता है वेरिएबल करंट। उसी सर्किट में से कितना स्टेडी करंट पास करें सेम टाइम के लिए ताकि सेम चार्ज आए, दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट इज कॉल्ड मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। सो व्हाट इज़ द मीन वैल्यू ऑफ एसी? मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर द सेम टाइम एज इज सेंट बाय द एसी टू द सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम एंड सेम चार्ज। ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट। सी, आपने एक सर्किट लिया, ठीक है, कॉइल लिया आपने, इसमें से एसी पास हो रहा। अब एसी साइकिल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्लास 11th में वेव्स पढ़ा होगा, वेव्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो एसी को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया, आई नॉट क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। नाउ लेट दिस करंट पासिस फॉर टाइम डी टी। सपोज डी टी टाइम के लिए आप इसमें से इस यहाँ से डी टी टाइम के लिए ये करंट पास हुआ। डी टी टाइम के लिए पास हुआ तो चार्ज आया, चार्ज डिवेलप कितना हुआ? डी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आई क्या होता है? क्यू बाई टी। तो डी क्यू क्या हो जाएगा? आई डी टी। डी टी टाइम के लिए पास किया, आई की वैल्यू पुट करो, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ओके, टोटल चार्ज सेंट बाय एसी। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमने डी टी टाइम के लिए जब करंट पास किया तो डी क्यू चार्ज आया, तो पूरे के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो से टी बाय टू में इसको इंटीग्रेट करो। क्यू आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करनी है आपने, आई नॉट साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जीरो से टी बाय टू, माइनस ओमेगा बाहर ले लो, आई नॉट बाय माइनस ओमेगा यहाँ आ गया, कॉस ओमेगा अपर लिमिट टी की जगह अपर लिमिट माइनस कॉस जीरो। नाउ ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? ओमेगा कैन बी रिटर्न एज टू पाई बाय टी, किया हुआ आपने क्लास 11th में। ओमेगा टू पाई बाय टी, टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, कॉस पाई माइनस वन। नाउ व्हाट इज कॉस पाई? कॉस पाई इज माइनस वन, सो माइनस वन इज कॉस टू माइनस टू आई नॉट, माइनस टू बन गया, प्लस हो गया टू आई नॉट ओमेगा, तो चार्ज ये आ गया। नाउ लेट आई एम इज द मीन वैल्यू ऑफ एसी। जो हमने यहाँ निकालनी है इसको हमने मान लिया आई एम, तो आई एम का फॉर्मूला क्या होगा? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम। तो क्यू क्या आ जाएगा? आई एम इंटू टी बाय टू। ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, कंपेयर करो। कंपेयर करने पे क्या आया आपके पास? टू आई नॉट ओमेगा इज इक्वल टू आई एम इंटू टी बाय टू। आई एम निकालो यहाँ से, आई एम आ जाएगा टू आई नॉट ओमेगा इंटू टू बाई टी, टू आई नॉट ओमेगा टू पाई बाई टी, ओमेगा की जगह आप टू पाई बाई टी पुट करो, टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो क्या बचा? टू आई नॉट ओमेगा टू बाय टू आई नॉट ओमेगा बाय पाई। टू बाय पाई इस, अगर आप टू बाय पाई को सॉल्व करते हो तो 0.637 आता है। मीन्स मीन वैल्यू ऑफ एसी इज 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स अगर आपको ये दे रखा है, आपको ये 5 एम्पियर करंट दे रखा है, इतना मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पियर है, तो मीन वैल्यू कितनी होगी? 63.7% ऑफ 5। ओके, सो दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ एसी। एग्जाम्पल सॉल्व किया। नेक्स्ट इज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ। जहाँ जहाँ आपने करंट किया ना वहाँ वहाँ हम ई एम एफ पुट कर देंगे। ओके, ना सी डेफिनेशन क्या है? सेम है, किसी सर्किट में से आप ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ पास कर रहे हो ए सी ई एम एफ टी बाय टू टाइम के लिए, क्यू चार्ज आ रहा है, उसी सर्किट में से कितना स्टडी ई एम एफ कॉन्स्टेंट ई एम एफ पास करें सेम टाइम के लिए ताकि सेम चार्ज आए, सब कुछ सेम रहेगा। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब चार्ज डेवलप होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर होता है।
तो वी इज इक्वल टू आई की जगह क्यू बाई टी पुट करो तो क्यू क्या आ जाएगा, वी टी इंटू आर, वी टी अपॉन आर सी। अगर हम किसी साइकिल में से, किसी सर्किट में से ये पास कर रहे हैं डी टी टाइम के लिए, डी टी टाइम के लिए, तो डी क्यू कितना आएगा, डी क्यू इज ई नॉट साइन ई ई बाय आर इंटू टी, ई बाय आर इंटू टी डी टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई की वैल्यू पुट की आपने। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना ज़ीरो से टी बाय टू, सेम सब कुछ सेम आएगा जैसे हमने पीछे किया था, ई नॉट बाय आर माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओके ज़ीरो से टी बाय टू सॉल्व करोगे, अभी पीछे आपने सॉल्व किया था, सॉल्व करके माइनस टू बाय ओमेगा आया था, सो सब कुछ सॉल्व करके टू ई नॉट टू बाय ओमेगा आ गया। मेक इट एज इक्वेशन नंबर वन, लेट ई एम इज़ द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ, तो चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज का फॉर्मूला अभी आपने निकाला ई बाय ई टी बाय आर ई एम टी बाय टू आर, ई की जगह आपने ई एम पुट किया, कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को तो आपके पास ये आ जाएगा सॉल्व करके, बिल्कुल सेम है पिछले जैसा, जहाँ जहाँ आपने करंट पुट किया था ना वहाँ वहाँ आपने ई एम एफ पुट करना है, बस बस से सेम। नेक्स्ट आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। किसी सर्किट में से आप ए सी पास कर रहे हो टी टाइम के लिए, ठीक है, और उसमें कितनी हीट डेवलप हो रही है एच, उसी सर्किट में से कितना कांस्टेंट करंट पास करें सेम टाइम के लिए ताकि सेम हीट आए। किसी सर्किट में से आप एसी करंट पास कर रहे हो टी टाइम के लिए और कितनी हीट डेवलप हो रही है, करंट पास करोगे तो हीट तो डेवलप होगी होगी, उसी सर्किट में से कितना कांस्टेंट करंट पास करें, कांस्टेंट मतलब एक स्टेडी करंट पास करें ताकि सेम टाइम के लिए सेम हीट प्रोड्यूस हो, दैट इज़ कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। नाउ हाउ टू फाइंड आउट, लेट ए सी करंट पास थ्रू द सर्किट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, अब ये करंट पास करोगे तो हीट डेवलप होगी, सपोज एच इज इक्वल टू, आपको एच का फॉर्मूला पता है इसके आर टी, सपोज इस करंट को आप डी टी टाइम के लिए पास करते हो तो हीट कितनी डेवलप होगी, डी एच, तो डी एच आ गया आपके पास डी एच आई स्क्वायर आर डी टी। अब पूरे के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, पूरी साइकिल के लिए जीरो से टी बैठो, आई की वैल्यू पुट करो आई नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर है यहाँ पर तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, आई नॉट स्क्वायर और आर बाहर कॉमन आ गया, जीरो से टी तक इंटीग्रेट करो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज वन माइनस कॉस टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, ओके तो इसको लिखो ऐसे वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय टू डी टी, टू बाहर ले जाओ, अब वन की इंटीग्रेशन करो, वन की इंटीग्रेशन आ जाएगी टी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक, कॉस टू ओमेगा टी की इंटीग्रेशन आएगी साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक, टी अपर लिमिट माइनस जीरो, टी माइनस जीरो इज टी, वन बाय टू बाहर ले लो, साइन टू ओमेगा, ओमेगा की जगह पे आप पुट कर सकते हो टू पाई बाय टी, टी की जगह टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, और वैसे भी अगर आपको पता हो साइन ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज ज़ीरो, ये साइन होता है, साइन का ग्राफ होता है ये पूरी कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव, तो पूरी कंप्लीट साइकिल में साइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो ये ज़ीरो से टी कंप्लीट साइकिल है ना, तो ये तो वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा, ये पार्ट आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो ज़ीरो, सिर्फ आपके पास टी माइनस ज़ीरो मतलब खाली टी रह जाएगा। सॉल्व करके देखो आपके पास एच ही आ गया, मेक इट एज इक्वेशन नंबर वन, लेट आई वी इज़ अ वर्चुअल वैल्यू, मान लो वर्चुअल वैल्यू ऑफ ए सी क्या आई वी, तो एच क्या आ जाएगा आई वी स्केयर आर टी, सिंपल एच का फॉर्मूला पुट किया एच क्या होता है आई स्केयर आर टी, तो एच इज इक्वल टू आई वी स्केयर आर टी, अगर मीन वैल्यू ये है, यह वर्चुअल वैल्यू है सॉरी आर एम एस वैल्यू ये है, ये भी एच है, ये भी एच है, ओके कंपेयर करो, कंपेयर करने पर क्या होगा, पुट करो वैल्यू उधर से भी उधर से, यहाँ से पुट की हमने देखो आई नॉट स्क्वायर आर डी बाय टू, फिर हमने यहाँ से पुट की आई वी स्क्वायर आर टी, कंपेयर करो आर टी से आर टी कैंसिल, तो आई वी आ जाएगा आई नॉट बाय रूट टू, वॉट इज़ वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू इज 70.707, सो मीन्स वर्चुअल वैल्यू इज 70.7% ऑफ आई नॉट, ओके। इस तरह ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ में निकालना है, जहाँ जहाँ आपने करंट पुट किया था ना वहाँ हम ई एम एफ का फॉर्मूला लगाएंगे, रेस्ट इज सेम, बाकी सब सेम रहेगा, ओके। किसी सर्किट में से आपने ई एम एफ पास किया,
सिर्फ यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वहाँ एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी फॉर्मूला लगाते थे ना, यहाँ पर डी एच इज इक्वल टू आई स्केयर डी टी लगाते हैं। यहाँ पर देखो क्या लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो एच का पहले आई स्केयर आर टी होता है, इज इक्वल टू वाई आर पुट करो, आई इज इक्वल टू ई वाई आर यहाँ पुट कर दो तो एच का फॉर्मूला आ जाएगा। ये ई की टर्म्स में एच का फॉर्मूला पुट करना, बाकी सारा मेथड सेम है। ओके, डी एच इज इक्वल टू ई स्केयर बार आर डी टी, ये आएगा सिर्फ। ई की वैल्यू पुट करनी है आपने, ई की वैल्यू पुट किया आपने, ई नॉट साइन ओमेगा टी स्केयर किया आपने, साइन स्केयर ओमेगा टी, इसको आपने सॉल्व करके अभी आपने निकाला था साइन स्केयर ओमेगा टी। जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे साइन स्केयर ओमेगा टी का क्या आता है इंटीग्रेशन, टी आती है, टी आई थी ना, तो टी लगा दी ने आप सिर्फ डायरेक्ट टी लगा दिया आपने। अच्छा, वर्चुअल वैल्यू मान, इसको इक्वेशन वन मान लो, वर्चुअल वैल्यू ऑफ ई एम एफ सपोज ई वी है तो एच इज इक्वल टू ई वी स्केयर आर टी हो जाएगा। कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। थैंक यू।